हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आपको बताने वाले कि एफएल स्टूडियो मोबाइल पर हम किस तरीके से बीट बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। आपको मैं एक बीट बताने वाला हूँ जो कि ट्रैप है। ट्रैप में आप कोई भी रैप गा सकते हैं, राइट। हम देखिए, सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर आते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको जो भी वीडियो मिले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्लस वाले आइकन पर आते हैं और ड्रम्स पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम ड्रम्स क्लिक करते हैं, ये आ रहा है ना 808, यहाँ क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी ये पैड खुल गई। इस किट पर हम अपनी बीट बनाना शुरू करते हैं, राइट। देखिए, हाइट इसका हम वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेते हैं, राइट। ये सबसे पहले हम हाइट का यूज करेंगे, इसमें एक कक छोड़कर हम इस तरीके से हाइट इस हेड को क्लिक कर लेंगे, राइट, इस तरीके से। यहां इसको ऐसा कर लो। सुनते हैं अब इसको, इसका मेट्रोनोम पहले सेट कर लेते हैं, लगभग 100 कर देते हैं, राइट। ये ऐसा साउंड कर रही है, सिंपल, राइट। अब हम इसमें कुछ ऐड और करते हैं, जैसे कि ये, सुन के देखते हैं। राइट, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको यहां ऐड करके देख लेते हैं। ओके, हमको बहुत अच्छा लग रहा है इसे सुनने में, राइट। अब इसको और ऐड करके देख लेते हैं, कोई अच्छा लगे तो हमें सुनने में। इसको वॉल्यूम थोड़ा कम, हाँ, राइट। अब आती है किक, किक ऐड करते हैं, यहाँ ऐड करके देख लेते हैं इसको। किक हम थोड़ा वॉल्यूम कर देते हैं, राइट, इसको यहाँ ऐड करके देखते हैं। अब सुनते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ओके, अब सुन के देखते हैं हम इसको। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है इसको सुनने में। अब इसमें थोड़ी मास्टरिंग कर देते हैं हम, राइट। मास्टरिंग करेंगे हम एयरफोन लगाने के बाद। अब हमने एयरफोन यूज़ कर लिया है, हम इसको एक बार और सुनते हैं। बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। अब हम इसके लिए मास्टरिंग करते हैं, और इसमें जो हम ऐड करते हैं थोड़ा सा ग्राफिक, राइट।
ग्राफिक के बाद देखते हैं हम इसमें ट्यून EQ, राइट। अब हमने EQ भी इसका कर लिया है, ट्यून EQ भी हो गया है हमारा। और इसके बाद में हम आते हैं इसकी लिमिटर देखते हैं। चलो लिमिटर को छोड़ो, हम थोड़ा रिवर्ब नहीं लगा सकते हैं इसमें, राइट। कंप्रेसर्स देख लेते हैं एक बार। तो फाइनली गाइस हमारी बीट तैयार हो चुकी है और इसकी मास्टरिंग का प्रोसेस भी यही था। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसी बीट पर आप मेलेडी कैसे बना सकते हैं ऑन FL स्टूडियो पर, क्योंकि गाइस बैंड लैब बहुत अलग है और ये भी बहुत अलग है, राइट। तो जब तक के लिए बने रहिए चैनल पर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।